अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तौफीक है और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हो। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्रोशिया में आप कैसे जॉब पा सकते हैं और क्रोशिया के अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको वीज़ा कैसे मिलेगा। पूरी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर होगी क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करना चाहते हैं या चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं और आप अपने जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं तो ये कंट्री आप लोगों के लिए बेस्ट कंट्री है। क्रोशिया साउथ ईस्ट में मौजूद है यूरोप में। यहाँ पे आज की डेट में 9,640 वेबसाइट के ऊपर 70 लाख से भी ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं आज की डेट में। क्रोशिया इज़ द मेंबर ऑफ द सेंजेन, ये बड़े काम की बात है और अच्छी बात है। सेंजेन का पार्ट है, इसके अंदर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी मिलती है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत जल्दी से प्रोग्रेस मिलती है यूरोप के अंदर। ये एक वाहिद ऐसी कंट्री है जो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिहाज से भी आपको प्रोवाइड करती है। यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सेल्स एंड मार्केटिंग, फाइनेंस, बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है। अगर आप ब्लू कलर्स की भी जॉब देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे ड्राइवर्स हो गया, हेल्पर हो गया, लेबर हो गया, बहुत सारे जॉब्स आप लोगों के लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। बहुत सारे इंडियंस जो हैं यहाँ पे जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, स्टडी भी करते हैं यहाँ पे। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे मौजूद हैं और बड़ा पसंद करते हैं यहाँ पे क्रोशिया को। 6,238 किलोमीटर का डिस्टेंस है टोटल, ओवरऑल 8 घंटे का सफ़र है। 8 घंटे में आप इसको जैसे एयर इंडिया हो गया और इंडिगो हो गया, ऐसी फ्लाइट में आप बैठ गया सफ़र तय कर सकते हैं। 8 घंटे 10 मिनट, 8 घंटे 20 मिनट, इतना सफ़र होता है बस नॉर्मली। और 25,000 से 30,000 की टिकट आप लोगों को मिल जाती है। ऑफ़र में और भी सस्ती हो जाती है कई दफ़ा। अगर आप अर्जेंट में जा रहे हैं तो आपको फिर ये 30,000, 35,000, 40,000 तक आपको मिल जाएगी। डिपेंड करता है सिचुएशन पे, आप किस टाइम पे जा रहे हैं। अगर आप किसी फेस्टिवल के दौरान जा रहे हैं, जैसे ईद हो गया या होली हो गया, ऐसे फेस्टिवल पे जाएंगे या न्यू ईयर पे जाएंगे, तो डेफिनेटली आपकी जो टिकट है वो थोड़ी कॉस्टली पड़ सकती है। आप लोगों को 45,000, 50,000 की भी पड़ जाती है, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। जो क्रोशिया है, क्रोशिया ने अपना जो बॉर्डर शेयर किया है वो सर्बिया, स्लोवेनिया, हंगरी, बोस्निया के साथ में शेयर किया है, इटली के साथ में भी शेयर किया है, बट स्लोवेनिया के साथ में थोड़ा सा डिस्प्यूट है इसका, तो इस वजह से अपना बॉर्डर शेयर नहीं कर पाया। अगर ये मान जाता है, स्लोवेनिया मान जाता है, तो इनका डोर ओपन हो जाएगा और इनके जो रिलेशन है वो अच्छे हो जाएंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज क्रोशियन है, इंग्लिश में भी यहाँ पे कम्युनिकेट आप कर सकते हैं। कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पे अच्छी खासी इंग्लिश बोली जाती है, जैसे जागरेब हो गया, ये एक बड़ा शहर है इनका और कैपिटल भी है क्रोशिया का। इसमें 80 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं, मोस्ट पॉपुलेशन वाला शहर है ये यहाँ पे। अगर आप विजिट करते हैं तो स्प्लिट एंड डोब्रोनिक को ज़रूर विजिट कीजिएगा। पूरे क्रोशिया के अंदर 1,000 से भी ज़्यादा आइसलैंड्स हैं, आइसलैंड काफ़ी सारे हैं, आपको अच्छा फील होगा। अगर आप यहाँ पे विजिट करते हैं तो सिटी ऑफ नीन को ज़रूर विजिट कीजिएगा, हो सके अपनी फैमिली के साथ में आप विजिट कीजिए तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। क्रोशिया की टोटल पॉपुलेशन 3.856 मिलियन की टोटल आबादी है, जिसमें से 87.4% क्रिश्चियनिटी के लोग रहते हैं और जिनका कोई रिलीजन नहीं है 6.4% लोग हैं। 1.3% जो हैं मुस्लिम लोग रहते हैं यहाँ पे। पहले बहुत ज़्यादा लोग मुस्लिम थे, बट 1515वीं सदी और 19वीं सदी के दौरान ऑटोमन एम्पायर जो था उस वक्त में उनका दबदबा था यहाँ पे। करीब करीब जो मस्जिदें थी वो 250 मस्जिदें यहाँ पे बताई जाती हैं, बट उसके बाद से अभी की डेट में आपको कहीं कहीं पे मस्जिद देखने को मिलेगी। कार्लोविट्स के बाद में जितने भी तुर्कों ने यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनाए थे, मस्जिदें बनाई थी, सब ख़त्म कर दी गई। इसके बाद में 1683 से लेके 1697 के बीच में जेंटा की लड़ाई में जो है ऑटोमन अम्पायर को यहाँ पे हाथ धोना पड़ा। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग जो है इनकी हिस्ट्री है, आप एक बार विकिपीडिया पे जाके या इंटरनेट पे जाके आप पढ़ सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इन लोगों की, आप वहाँ पे विजिट ज़रूर कीजिएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेबसाइट्स में आप लोगों को बता देता हूँ जॉब्स के लिए, जिसपे आप आसानी से जॉब सर्च कर सकते हैं अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। चलिए यहाँ पे इनकी एक गवर्नमेंट की वेबसाइट्स भी है जिसका नाम है mrosp.government.hr। तो मैं इसकी वेबसाइट जो है आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्लिक करके आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। दूसरा वेबसाइट है इनका यहाँ पे jubilee.org, और तीसरा है यहाँ पे europeanjobdays.eu, ये भी अच्छी वेबसाइट है, और लिंकडिन भी है, और careerjet.com.hr,
ये भी वेबसाइट है इनका, और इन पे अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप जॉब सर्च करेंगे। तमाम तरीके की जो जॉब्स हैं इस पे अवेलेबल है, लेबर हेल्पर, वाइट कॉलर की जॉब्स, काउंटिंग, फाइनेंस की जॉब्स अवेलेबल है, सिविल इंजीनियर की जॉब अवेलेबल है, और यहाँ पे एज एन एवरेज नॉर्मली आप 1 लाख रुपये तक इंडिया का कमा सकते हैं। और भी यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे आप ये वेबसाइट्स जो हैं इनकी विजिट करेंगे तो आपको अलग अलग कैटेगरीज की जो जॉब्स है यहाँ पे आपको मिल जाएगी। एक्सपीरियंस की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे 1 ईयर या 2 ईयर का एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप यहाँ पे यूरोप के अंदर क्रोएशिया में मूव करते हैं, क्योंकि ये बंदा को चाहते हैं कि हमारे पास में जो बंदा है वो ट्रेंड होके आए पहले से, उसको काम की नॉलेज होनी चाहिए अच्छे से, हमारा जो रिसोर्सेज है उसको जाया ना करें। तो पहले से आप ट्रेंड हो जाइए, 1 ईयर 2 ईयर का एक्सपीरियंस ले लीजिए। चाहे तो आप जैसे स्किल्ड वर्कर हैं, कारपेंटर हो गया, स्प्रे पेंटर हो गया, या फिर आपको फर्नीचर का वर्क आता है, इसके अलावा वेल्डर हैं, मैकेनिक हैं, आप जितने भी स्किल्ड हैं वर्कर्स हो गए, तो आपको पहले से 1 ईयर या 2 ईयर का एक्सपीरियंस ले लेना है, उसके बाद में मूव करना है। जितने भी वाइट कॉलर्स जॉब हो गई जैसे अकाउंटिंग, फाइनेंस, सेल्स एंड मार्केटिंग्स एंड आईटी इंजीनियर्स, तो आप पहले से ही आप 2 ईयर या 3 ईयर का एक्सपीरियंस ले लें, उसके बाद में आप यहाँ पे मूव करें। और यहाँ पे अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब की आप लोगों के लिए। सेंजन वीज़ा आपको यहाँ पे मिल जाता है, अगर आपको सेंजन यहाँ पे वीज़ा मिल जाता है तो आप यूरोप की जितनी भी कंट्रीज़ यहाँ पे सेंजन में आती हैं वहाँ पे मूव कर सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, कोई चार्जेस आपको नहीं देने पड़ते हैं ज़्यादा। खैर, यहाँ पे इंडिया में आपको मैं एम्बेसी बता देता हूँ कहाँ पे एम्बेसी अवेलेबल है। एम्बेसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया, ये है दिल्ली में मौजूद है, आप A15 वेस्ट एंड पे निकलेंगे तो वहाँ पे आपको इनकी जो एम्बेसी है वो मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इनका जो लिंक है वो दे दूंगा, वहाँ पे जाके डिटेल्स एक बार चेक कर लीजिए वीज़ा से। अगर आप यहाँ पे जॉब करने के लिए आते हैं तो आपके पास में वर्क वीज़े का होना बहुत ज़रूरी है, कंपनी आपको प्रोवाइड कर देती है, या तो फिर आप किसी कंसल्टेंसी रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू आप यहाँ पे आते हैं तो आपके पास में ध्यान रहे कि बस वर्क वीज़ा ही होना चाहिए। बाकी स्टडी वीज़ा पे, बिजनेस वीज़ा पे, ये लोग स्टडी करने के लिए यहाँ पे आते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं यहाँ पे बिजनेस वीज़ा पे आ सकते हैं, घूमने के लिए आना चाहते हैं तो यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा आप लोगों के लिए अवेलेबल है शॉर्ट टर्म। खैर, यहाँ पे आप कोशिश कीजिए, अगर आप अपनी होम कंट्री से जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर आप यहीं सेंजिन में रह के यानी कि क्रोएशिया में रह के आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपके पास में यूरोपास सीवी ज़रूरी है, क्योंकि आपके शॉर्ट लिस्टेड होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, मोर देन 80-90% बढ़ जाते हैं। यहाँ पे यूरोप के अंदर यूरोपास सीवी ज़्यादा चलते हैं जो मैंने यहाँ पे देखे हैं, और कवर लेटर भी यूरोपास ही आपका होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे बनेगा, क्या प्रोसेस होता है, बहुत लोगों के पास में नहीं होता है, तो हम आप लोगों की इसके अंदर हेल्प कर देंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, फेसबुक लिंक, इंस्टाग्राम लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे जाके आप हमारे साथ में रابطہ कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम आप लोगों के लिए इसको प्रिपेयर करेंगे। बट इसकी स्मॉल अमाउंट होती है वो आपको पता चल जाएगी। हम चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मूव करें और यहाँ पे आप जॉब सर्च करें और जॉब करें, अपनी होम कंट्री से बाहर निकलें। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, हो सकता है इस वीडियो का आपको ज़रूरत ना हो, आपके दोस्त को ज़रूरत हो, आपको भी दुआ मिलेगी और मेरे को भी दुआ मिलेगी, तो दोनों का फ़ायदा हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।